सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है क्योंकि छौ मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज, जिसने कहा आज उसने किया राज। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी है। रिश्ते और पौधे दोनों एक ही होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। आज का पंचांग 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र शाम 7:04 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:45 से 5:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। धनुराशि 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार, आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने ना दें। अपने प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी निजी जीवन में भी व्यस्त को बहल करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान ना दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। आज सपने साकार करने का दिन है। लंबे समय से दिया हुआ कर्जा वापस मिल सकता है। खुद को अपडेट रखने के लिए नए टेक्नोलॉजी की जानकारियां मिलेगी। विद्यार्थी तथा युवाओं को भी अपने भविष्य संबंधित योजनाओं को फलीभूत करने का अवसर मिलेगा। जो बातें मन के विरुद्ध हो रही है उन्हें अपने पक्ष में करना संभव होगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें पराजित करना आपके लिए आसान होगा। अपने अहंकार को खुद पर हावी ना होने दें। बदले की भावना है तो तुरंत इस भावना को दूर करें। जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ हुई है उन्हें माफ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र की वजह से आपका ना तो इस बात का ध्यान रख काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र की वजह से आपका इस बात का ध्यान रखें। पैसों से संबंधित लेन देन की वजह से पार्टनर के साथ विवाद हो सकते हैं। सावधानियां, आलस और लापरवाही को अपनी दिनचर्या में स्थान न दें। बोलचाल का लहजा नर्म रखें। किसी नजदीकी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अपने मेल डाटा की सुरक्षा का ध्यान रखें वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के बावजूद आप घर परिवार को प्राथमिकता देंगे। कुछ समय परिवार के साथ शॉपिंग, डिनर आदि जैसे कार्यों में भी व्यतीत होगा। लव अफेयर्स के मामले में कुछ नाकामी रह सकती है, ध्यान रखें। आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपने संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में बात करनी चाहिए जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं। आज का दिन आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बात करने को राजी होगा। बात करते हैं करियर की। आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। आज आपके उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना है जिससे गहरी सोच और चिंतन शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्मानुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकते हैं। व्यवसाय में कुछ बाहरी स्रोतों से चल रही बातचीत का आज उचित परिणाम सामने आएगा। सहयोगियों की सलाह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी लेकिन आंतरिक व्यवस्था इस तरह बनाए कि कम मेहनत में अधिक से अधिक उत्तम परिणाम मिली। बात करती हैं सेहत की।
आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अड़ाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकती हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें और इस आदमी से दूर रहें और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का उपाय, आज शाम को आप हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।